Now next one again working of replace method provided by string class. Replace method का just working क्या रहेगा? Suppose that अगर आपके पास कोई भी string available अगर string के अंदर किसी particular characters को new characters से replace कराना है, then इस case में use क्या करेंगे? Replace methods. For examples, first one. Again यहाँ रखना, जब भी आप चाहे replace method call करो या कोई भी method call करो, जब भी कोई भी string के लिए कोई भी operations apply होते हैं, then operations के results हमेशा separate object में assign होंगे, न कि existing object. इसका अगेन बिहेवियर टेस्ट करें. इस पर्टिकुलर केस मैंने टू लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं एस एंड टी, रेफरेंस एस एंड रेफरेंस टी. फर्स्ट वन एस के केस में क्या असाइन किया मैंने जैक स्पेस यू, देन प्लस ए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बाय यूजिंग डबल कोट्स, इसलिए इसका मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ एड्रेस समथिंग अनडेड, प्लस इस ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट्स क्या असाइन हो रहा है जैक, सारे के सारे कैरेक्टर्स आप कंसीडर करोगे एज लोअर केस एंड जू. नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है 100 असाइन किस में जाएगा रेफरेंस वेरिएबल एस. एस इस लोकेशंस को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. नेक्स्ट वन इस केस में मैंने कॉल किया एस डॉट रिप्लेस मेथड. इस पर्टिकुलर केस में एस के अंदर जे के जितने भी ऑक्रेंसेस हैं वो सारे के सारे ऑक्रेंस रिप्लेस किस से हो जाएंगे बी से, प्लस इस केस में जो भी न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हुआ न्यू स्ट्रिंग अगेन सेपरेटली क्रिएट हुआ इनसाइड हीप एरिया, हीप एरिया के अंदर जो भी मिस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग था एस के थ्रू रिप्रेजेंट किया हो रहा जैक एंड जू. इस पर्टिकुलर केस में सेपरेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर गई मिस, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है रिप्लेस मेथड, प्लस रिप्लेस मेथड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ जे के सारे ऑकरेंस रिप्लेस किससे करेगा बी से. तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा जे के प्लेस पर क्या जाएगा बी, इट विल बिकम्स बैक स्पेस वो, क्लियर. प्लस एज्यूम करो इसका एड्रेस अगर 200 है, इस पर्टिकुलर मेथड से रिटर्न क्या हो रहा है स्पेस पर रिजल्ट एज 200 आसान हो जाएगा. सेपरेट रेफरेंस वेरिएबल टी, टी न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. लेकिन एस जिस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करा है एस में वी बी कैश टू द जैक एंड यू, मीन्स एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस परफॉर्म हुए क्या नहीं, देन इसके बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए अगर मैंने सेपरेटली इसका आउटपुट डिस्प्ले कराया है इन द सेपरेट फॉर्म एस एंड टी. एस के केस में क्या डिस्प्ले हुआ एस अभी भी जिस स्ट्रिंग को रेफर करा है उस स्ट्रिंग में भी कंटेंट्स क्या फाउंड हो रहे हैं जैक स्पेस जू. टी के रिस्पेक्ट में आप कहें टी का वैल्यू डिस्प्ले करा हो देन टी जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या है बैक स्पेस वो, क्लियर. नेक्स्ट टाइम अगेन मैंने फिर से सेम मेथड कॉल किया जा रिप्लेस. नेक्स्ट टाइम अगेन एस के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में जे के सारे ऑक्रेंस रिप्लेस किससे हो जाएंगे बी से, प्लस वन मोर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनसाइड हीप एरिया एड्रेस समथिंग 300, प्लस इसमें कंटेंट्स क्या है सेम कंटेंट्स बैक स्पेस वो, एड्रेस क्या है इसका 300 नेक्स्ट टाइम रिटर्न होगा. 300 नेक्स्ट टाइम मैंने किसमें कॉपी किया एग्जिस्टिंग रेफरेंस वेरिएबल एस, एस का एग्जिस्टिंग वैल्यू 100 है 100 अब रिप्लेस किस हो जाएगा 300 से, देन इमीडिएटली एस न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा इस दैट वन, प्लस जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को अब कोई भी रेफरेंस वैल्यू पॉइंट नहीं करेगा, देन गार्बेज कलेक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली डी एलोकेशन परफॉर्म आफ्टर सम टाइम्स. देन एस के अंदर क्या 300 स्पेस पर रिप्लेस किया 300, प्लस इस केस में वो स्ट्रिंग डिस्प्ले हुआ जैसे स्ट्रिंग का एड्रेस 300 फाउंड हो, तो नेक्स्ट टाइम अगेन आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ बैक एंड बू. वन मोर थिंग्स स्ट्रिंग की केस बात करें स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स कैसे इम्यूटेबल लेकिन रेफरेंस कैसे हैं रेफरेंसेस आर चेंजेबल. फर्स्ट टाइम एस में क्या था जैक जू, नेक्स्ट टाइम एस में क्या है बैक एंड वू, और वी कैन से फर्स्ट टाइम क्या था 100 नेक्स्ट टाइम क्या 300. दिस इज द बिहेवियर ऑफ रिप्लेस मेथड.